हेलो दोस्तों, फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में गमले में स्ट्रॉबेरी लगाने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और दोस्तों मेरे पास एक ही पौधा था सबसे पहले, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप कितना सारा पौधा मैंने एक पौधे से बना लिया, उगा लिया। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉबेरी का फूल लगा है और साथ ही स्ट्रॉबेरी भी लगा है, एकदम बहुत ही बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। तो गमले में किस तरीके से उगाए, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूरा आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। अगर दोस्तों आप लोग भी जानना चाहते हैं कि मैंने इतने कम टाइम में, 4 से 5 महीने के टाइम में एक ही स्ट्रॉबेरी प्लांट के पौधे से बहुत सारा स्ट्रॉबेरी प्लांट भी बनाया और साथ में इसमें स्ट्रॉबेरी भी बहुत ही जल्दी आने लग गए हैं, तो मैंने कैसे किया, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों मेरे पास एक ही स्ट्रॉबेरी का प्लांट था जिसमें से इस तरीके का रनर निकला हुआ था। इसे दोस्तों हम एक नया बेबी प्लांट बना सकते हैं जो बरसात के शुरुआती मौसम में निकलता है, तो इसे हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। इसको अगर मिट्टी में रख देंगे तो एक नया प्लांट, एक मैच्योर प्लांट बना सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मैंने दोस्तों इसको कैसे किया, तो ये प्लांट बनने के बाद इस मदर प्लांट से हम इसको अलग करके दूसरे पॉट में हम उसे लगा सकते हैं। तो मैं इसको कैसे करूंगा तो आप देखते रहिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैंने कुछ मिट्टी का खाद का मिक्सअप करके, देखिए इस तरीके का प्लास्टिक का गिलास लिया, उसमें प्लास्टिक के गिलास में इसको भरने के बाद उसमें पानी से पूरा उसमें पानी भर दिया और जिसमें प्लास्टिक में छेद भी कर दिया ताकि एक्स्ट्रा वेस्ट पानी है वो छेद से निकल जाए। देखिए इस तरीके से 15 दिन बाद देख सकते हैं इसका रिजल्ट। देखिए इस तरीके से 15 दिन बाद आपको देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ से कट करके अभी दूसरे जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है 15 दिनों के अंदर। इसमें जड़ भर गया होगा ग्लास के अंदर, तो आप लोग को अभी दिखाने वाले हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। हमारे पास 3 एक्स्ट्रा प्लांट तैयार हो चुका है, तो अभी मैं इसे गमले में लगा दूंगा देखिए इस तरीके से। और सबसे बड़े प्लांट को बहुत ही बड़े पॉट में मैं लगा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्ट्रॉबेरी मिले। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत सारा पॉट में मैंने देखिए कुछ दिन बाद इतना सारा ग्रोथ के साथ फूल भी आना स्टार्ट हो चुका है स्ट्रॉबेरी प्लांट में। देखिए मेरे पास एक मिर्ची भी लगाया था पॉट में, ब्लैक मिर्ची, तो बहुत ही बेहतरीन हुआ है। ये देखिए इसमें बहुत बार मैंने मिर्च लिया है इस पौधे से कम 6 से 7 बार इसमें फल आ चुका है, तो बहुत ही बेहतरीन होता है गमले में अगर आप उसका अच्छा केयर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बड़ा बड़ा मिर्च लगा है पूरा, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया क्या बताऊँ दोस्तों। और गर्मी का मौसम आ गया तो स्ट्रॉबेरी प्लांट में हम ऊपर से लगातार पानी नहीं दे सकते क्योंकि ऊपर से लगातार पानी देंगे तो जड़ सड़ सकता है। तो नीचे से मैंने इस तरीके का सेटअप किया है कि नीचे से उसका जो ड्रेनेज होल है उससे पानी जितना उसको चाहिए वो लेते रहे लगातार। तो इस तरीके से मैंने गड्ढा करके रख दिया है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और स्ट्रॉबेरी आने से पहले उसके जड़ में इस तरीके से जो पुआल रहता है, घास रहता है, उसको आपको दे देना है ताकि स्ट्रॉबेरी प्लांट का जो स्ट्रॉबेरी है वो सड़े नहीं। तो इस तरीके से आपको स्ट्रॉबेरी आने से पहले इस तरीके से घास से या कुछ किसी भी चीज़ से, सूखे चीज़ से उसको ऐसे कवर कर देना है ताकि मिट्टी में टच ना हो आपका स्ट्रॉबेरी। दोस्तों स्ट्रॉबेरी प्लांट में आपको तभी पानी देना है जब आपको लगेगी ऊपर से 1 से 2 इंच मिट्टी सूख चुका है। दोस्तों बहुत ही कम पानी लगता है, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसका पत्ती और जड़ है सड़ने लगेगा। और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल लगा है स्ट्रॉबेरी प्लांट में, हर एक पॉट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल लगा है। अगर इस टाइम में हम इसको खाद या पोषक पदार्थ का कमी करते हैं तो फूल डैमेज होने लगेगा और जो फल भी आएगा बहुत ही छोटा छोटा फल आएगा। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि आपको टाइम पर इसमें खाद देना है। तो मैं हर हफ्ते में थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 से 6 से 7 दाने DAP का खाद देता हूँ और साथ में 15 दिन बाद और एक खाद देता हूँ, तो आपको बताऊँगा किस तरीके से उसे भी देना है। देख सकते बहुत ही बेहतरीन हुआ है स्ट्रॉबेरी।
और सब स्ट्रॉबेरी लग चुका है और कुछ दिन बाद ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं नर्सरी से इस तरीके का खाद लाया हूँ, इसमें सभी पोषक तत्व है, जिंक, मैग्नीशियम। तो दोस्तों इस खाद में सभी प्रकार का पोषक तत्व नियमित मात्रा में मिलाया हुआ है। तो उसको मैं 15 दिन बाद इस तरीके से जड़ से कुछ दूरी पर खोद के इस तरीके से मिक्स कर देता हूँ मिट्टी में, देखिए इस तरीके से सब प्लांट में। तो इसमें क्या होता है, पौधे का जो पोषक तत्व है लगातार मिलते रहता है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन। सभी प्लांट में इस तरीके से दे देना है, इस तरीके से देखिए इस तरीके से आप लोग को दे देना है। और उसके बाद एक दिन बाद आपको उसके पानी दे देना है। अगर दोस्तों आपके पास इस तरीके का खाद नहीं है तो आप DAP और गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। देख सकते हैं दोस्तों स्ट्रॉबेरी पकना स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे कलर आने लग गया है स्ट्रॉबेरी में, तो बहुत ही बेहतरीन। कुछ दिन बाद ये पूरी तरीके से पक जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप स्ट्रॉबेरी प्लांट को गमले में लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, साथ ही उसे टाइम पर पानी देना, टाइम पर खाद देना, सभी चीज़ों को टाइम से टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप स्ट्रॉबेरी प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं, देखिए कुछ दिन पहले मैं गया था तो यहाँ पर ज़मीन में लगाया हुआ था बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉबेरी बड़े बड़े साइज़ का हो रहा था। तो आप इसमें बिना मेहनत के कम खाद का यूज़ करके आप इस तरीके से स्ट्रॉबेरी प्लांट ज़मीन में लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर पानी ना जमता हो आपको थोड़ा सा ऊँचे जगह पर स्लोप एरिया में लगाना है, ताकि आपका जो पानी है बह के चला जाए, उसमें जमा ना हो पानी, नहीं तो आपका पूरा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों अभी हमारा जो स्ट्रॉबेरी गमले का स्ट्रॉबेरी है वो पक चुका है पूरी तरीके से, कटिंग के लिए तैयार, खाने के लिए तैयार। तो वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, थैंक यू।